हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद जड़ से कैसे इलाज करता है। ये आपने कई बार सुना होगा कि जी आयुर्वेदिक दवाइयां ले लो, जड़ से इलाज कर देती हैं। तो ये जड़ से इलाज करना आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। और ये जो 5 महाभूत हैं, इनसे इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं 3 दोष, वात, पित्त और कफ। और जो हमारा शरीर है वो इन तीनों दोषों का बैलेंस है, वात का, पित्त का और कफ का। और जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तब तब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे अगर वात बिगड़ जाए तो 80 से ज़्यादा लगभग रोग होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है और बहुत सारे रोग हैं। और आयुर्वेद जो है वो ये कहता है कि जब आप दोषों की बिगड़ी हुई स्थिति को समान कर देंगे तो जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके सिर में दर्द है तो आयुर्वेद आपके सिर दर्द का इलाज करने से पहले ये देखेगा कि सिर दर्द जो है वो है क्यों, उसका बेसिक रीज़न क्या है, आपके शरीर में जो इम्बैलेंसेस हैं वो क्या हैं। वात बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए वात के कारण सिर में दर्द है, या कफ की वजह से सिर में दर्द है, या पित्त की वजह से सिर में दर्द है, या इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है जो जिसकी वजह से सिर में दर्द है। तो आयुर्वेद सबसे पहले ये देखेगा और जो विषम स्थिति उत्पन्न हुई है दोषों की उसको ठीक करेगा। जब वो दोष समानावस्था में आ जाएंगे, सम अवस्था में आ जाएंगे, तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद वाकई जड़ से इलाज करता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितनी आसान शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि दोषों को समान करके आप अपने रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, ये उतना शायद आसान नहीं है। बिकॉज़ मोटे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि शायद मेरा वात बिगड़ा हुआ है, लेकिन वात के भी अलग अलग गुण हैं जो बिगड़ जाते हैं। कौन सा गुण बिगड़ा हुआ है, किस गुण को ठीक करना है ताकि जो बिगड़ा हुआ वात है ज़्यादा है तो कम हो जाए, कम है तो बराबर आ जाए, उसको देखने के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक होना चाहिए। तो मेरी सलाह आपको यही है कि जब भी आप आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहें तो किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करें ताकि वो आपके बिगड़े हुए दोषों को ठीक कर सके, आपकी बॉडी को बैलेंस में ला सके, देयर बाय आपकी जो बीमारी है उसका जड़ से इलाज किया जा सके। तो इसके साथ ही मैं आज का जो वीडियो है वो एंड करना चाहूँगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हृदय से आप सबका आभार।